हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और हिंदुस्तान आजादी के बाद से नहीं सदियों से एक सेक्युलर कंट्री रहा है, जिसके चलते हिंदुस्तान के दूसरे सबसे बड़े धर्म यानी इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों ने 7वीं शताब्दी में हमारे देश की मिट्टी में कदम रखा था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आजादी के बाद 1951 के सेंसस में, जहां हिंदुस्तानी पॉपुलेशन की गिनती में सिर्फ 10.4% मुसलमान थे, वो 2011 में 14.2% यानी 1720 लाख हो चुके थे। वहीं पर पाकिस्तान, जहां पर 24% हिंदू लोग थे, वो घटकर 1% भी नहीं बचे हैं। अब इससे ये बात तो साफ नजर आ रही है कि कौन सा देश माइनॉरिटी को बढ़ावा दे रहा है और कौन सा नहीं। पर हमारे हिंदुस्तान के इसी सेक्युलरिज्म की वजह से, जहां दूसरे देश मुसलमानों को टेररिज्म के नाम पर उन्हें त्योहार तक मनाने नहीं देते, उन्हें बेसिक राइट तक नहीं देते, और अगर दे भी दे तो उसके लिए उनकी परीक्षा लेते हैं, वही हमारे यहाँ पर इन्हीं चीजों को आजादी मिलती है। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक ब्रेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो देखने वाले हैं, उस वीडियो का टाइटल है 11 ऐसी चीजें हैं जो भाई इंडियन मुस्लिम कर सकते हैं, और ये गौरव ठाकुर का वीडियो है, जिनके ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम वीडियो में ये देखते हैं कि भाई ऐसे कौन सी 11 चीजें हैं जो सिर्फ इंडियन मुस्लिम ही कर सकते हैं, और मतलब ये वीडियो मैंने भी अभी देखी नहीं है, तो इस पे कुछ रिएक्शंस थे, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए मैं सब ले आ जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। Things that only Indian Muslims can do. अब फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि मुस्लिम्स भी उतने ही इंडियन हैं जितने कि हिंदूज हैं। सो ये कोई कैटेगराइजेशन नहीं है जो हम इस वीडियो के थ्रू कर रहे हैं, बल्कि हम ये एक इंटरनेशनल, एक वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं कि एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया कितना टॉलरेंट है, ये बताने के लिए, ताकि इससे यूनिटी और भी ज्यादा बढ़ सके। जिस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रहा है, 2050 तक इंडिया में दुनिया भर के मुकाबले सबसे ज्यादा मुस्लिम्स होने वाले हैं। तो चलिए पता लगा पाते हैं कि इंडिया में मुस्लिम्स को कौन कौन सी फ्रीडम मिलती है जो दूसरे देशों में शायद नहीं मिलती। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है फेस्टिवल यानी त्योहारों का। अब ईद से लेकर रमजान और मुहर्रम, हमारे देश के मुसलमानों को हर एक त्योहार मनाने की आजादी है। वहीं चाइना जैसा देश, जो पाकिस्तान और कई सारे इस्लामिक कंट्रीज का सच्चा दोस्त बना फिरता है, वो अपने देश के जिनजियांग रीजन में बसे हुए मुस्लिम बच्चों, गवर्नमेंट और एजेंसी ऑफिसर्स में काम करने वालों को, यहाँ तक कि लोकल अथॉरिटीज में मौजूद किसी भी मुस्लिम को रमजान तक सेलिब्रेट करने का मौका नहीं देता। और अब खबरें ऐसी है कि मौका देने के बावजूद लोग डर के मारे रमजान नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उन पे जो अत्याचार होगा वो उन्हें पहले से ही पता है। पर ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ के मुसलमानों को पॉलिटिकल एजुकेशन कैंप्स में रखकर उन्हें चाइनीज सिखाने के साथ उन्हें चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की तारीफों वाले गाने भी गवाए जाते हैं, और ये सब सिर्फ इसीलिए ताकि टेररिस्ट थ्रेट को खत्म किया जा सके। और आपको तो पता होगा, कम्युनिज्म कोई भगवान में नहीं मानता है, तो कम्युनिस्ट गाने मुस्लिम्स को क्या सिखा रहे हैं, इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन ये इकलौते नहीं है, डेनमार्क के घेटो नेबरहुड्स में, यानी वो जगह है जहाँ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ माइनॉरिटी रहती है, वहाँ रहने वाले बच्चों के लिए ये लॉ है कि वो हफ्ते में 25 घंटे अपने पेरेंट्स से दूर रहेंगे, और इस 25 घंटों में उन्हें डैनिश वैल्यूज, क्रिसमस और ईस्टर ट्रेडिशन सिखाया जाएगा। जिसका रीजन यही है कि ऐसा करके वो उन बच्चों के मन में सेक्युलरिज्म का बीज बोना चाहते हैं और टेररिस्ट थ्रेट्स को खत्म करना चाहते हैं। पर इसका ऑपोजिट हमारा इंडिया है, जिसके पास 3 लाख मस्जिद है, जहां जाकर ये अपने वैल्यूज और टीचिंग को फॉलो कर सकते हैं। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये नंबर बाकी सारे मुस्लिम देशों से भी बड़ा है। पाकिस्तान जो एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ मुसलमानों को अपने मुसलमान होने का प्रूफ देना पड़ता है, मतलब कि वो प्रॉफिट मोहम्मद को कितना मानते हैं ये साबित करना होता है, और इसके लिए उन्हें वहाँ पर सारे सिटीजन से एक फॉर्म पर साइन करवाया जाता है, जिसमें ये लिखा होता है कि अहमदीज पाकिस्तानी नहीं है, और जो इस पर साइन नहीं करता उसे पासपोर्ट नहीं मिलता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये पाकिस्तान के यूट्यूबर्स की हिलती हुई मुंडियां ही बता रही है। करना होता है जिस पर लिखा होता है कि अहमद। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि अहमदीज या अहमदियाज होते कौन है। वेल, अहमदीज पाकिस्तान में एक माइनॉरिटी है, और माइनॉरिटी के साथ साथ पाकिस्तान में अहमदीज को मुसलमान तक नहीं माना जाता, और ऐसा सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका ये मानना है कि मसीहा गुलाम अहमद प्रॉफिट मोहम्मद के मरने के बाद भी जिंदा रहे थे। लेकिन पाकिस्तानियों को इसका बिल्कुल उल्टा लगता है, तभी तो सन 1974 में इन्हें नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया था।
और तब से लेकर अब तक सारे पाकिस्तानियों को अपने मुसलमान होने का प्रूफ देना पड़ता है। पर अब अपने देश के बाहर निकलने का भी इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट बन भी गया तो क्या ही हो जाएगा जब दूसरी कंट्रीज इन लोगों को अपने देश में घुसने तक का मौका नहीं देगी। अब देखो, हमारे देश से जब कोई भी बाहर जाना चाहता है तो वो जा सकता है, और दूसरे देश बड़े प्यार से हमारे देश के लोगों को अपने कंट्री में एंट्री देते हैं। वहीं अमेरिका जैसे सेक्युलर देश में, जहाँ आपको दुनिया के सारे कंट्री से आए अलग अलग रंग रूप वेशभूषा भाषाएं वाले लोग मिल जाते हैं, उसने 2017 में सीरिया से लेकर लिबिया, ईरान, इराक, सोमालिया, सूडान और यमन, इन सारे ही कंट्रीज के मुस्लिम्स को अपने देश में मुस्लिम बैन लगाकर आने से बैन कर दिया था। और इसके पीछे का रीजन क्या था आपको पता है? Well, इसका रीजन था टेररिज्म, जिससे अपने देश को बचाने के लिए एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया था, और जिसे अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपनी कुर्सी पर बैठकर पहले दिन ही हटा दिया। पर अब लोग इस बैन को हमेशा हमेशा के लिए भुला देने के लिए बिल पास करवाना चाहते हैं, जिससे फिर कभी भी कोई प्रेसिडेंट इस तरह के बैन ना लगा सके, और फिर कभी एक माँ अपने बच्चे से, एक भाई अपनी बहन से, एक बच्चा अपने परिवार से बस एक लॉ की वजह से बिछड़ ना जाए। अब फ्रेंड्स, आपको पता होगा हर साल 3 मिलियन यानी कि 30 लाख मुसलमान अल्लाह की दुआ पाने के लिए हज जाते हैं, और हमारे हिंदुस्तान से सन 1954 से ही मुसलमानों को अपने हज जाने की दुआ को पूरा कराने के खातिर सब्सिडीज यानी कि मदद दी जाती रही। इसमें उनके आने जाने के लिए मिलने वाला एयर इंडिया का सऊदी अरब तक का सफर भी शामिल था, लेकिन 2011 में मुसलमानों को मिलने वाली सब्सिडी को थोड़ा घटा दिया गया। मतलब जिस सब्सिडी के लिए हमारा देश 2013 में 100 मिलियन डॉलर्स यानी 749 करोड़ रुपीस दे रहा था, उसे 2016 में कम करते हुए 75 मिलियन डॉलर्स यानी 561 करोड़ रुपीस कर दिया गया, और 2017 में गवर्नमेंट ने इस सब्सिडी को ही रोक दिया। लेकिन इस सब्सिडी को रोकने के पीछे गवर्नमेंट का अपना कोई स्वार्थ नहीं था, बल्कि मौलाना महमूद ए मदानी जो राज्यसभा के मेंबर थे, उन्होंने ये बात सामने रखी कि हज के लिए सब्सिडी लेना इस्लामिक शरिया के खिलाफ है, क्योंकि कुरान में ये साफ साफ लिखा है कि मुस्लिम्स को हज पर अपने रिसोर्सेस से ही जाना चाहिए। कि हज सब्सिडी गैर जरूरी के मुसलमानों को दी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हज को जाना है तो मैं बगैर सब्सिडी के भी जाऊंगा। और इसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने करीबन 70 सालों से चली आ रही हज सब्सिडी की प्रथा को तोड़ और छोड़ दिया। और आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि ये प्रथा सिर्फ इंडिया में ही फॉलो होती थी, ऐसी कोई प्रथा किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं की जा रही, जबकि दुनिया में 50 इस्लामिक देश हैं। लेकिन हज पर जाना दुनिया के दूसरे नॉन मुस्लिम कंट्रीज में तो मुस्लिम्स के लिए बहुत दूर की बात है, उन्हें तो अपने ही देश में अपनी मर्जी से जिंदगी बिताने का भी मौका नहीं दिया जाता, यानी कि जीरो फ्रीडम। अब दुनिया में अपनी तानाशाही के लिए बदनाम नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की ही तरह, चाइना ने अपने लोगों के लिए कोई कंपलसरी हेयर स्टाइलिंग का लॉ नहीं बनाया, लेकिन अपने देश के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के शिनजियांग में रहने वाले मुस्लिम्स के लिए इनका लॉ इतना स्ट्रिक्ट है कि वो बेचेहरे अपने मर्जी के कपड़े क्या, अपनी मर्जी की दाढ़ी मूछे भी नहीं रख सकते। लेकिन चाइना अकेला नहीं है जिसने इनसे राइट्स को ऐसे छीन लिया है। दुनिया के कई देशों में जैसे कि ऑस्ट्रिया में फीमेल मुस्लिम्स को पब्लिक में बुर्का पहनना बैंड है। फ्रांस और बेल्जियम ने भी 2011 में पूरे फेस को ढकने वाले हिजाब को बैन किया था। वहीं नेदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, रशिया, बल्गेरिया और इटली में भी इस तरह के लॉ पास किए गए थे। और इसे देखकर तो यही लगता है कि बस हमारा इंडिया ही ऐसा देश है जो मेल और फीमेल दोनों को बराबर का राइट दिलाने के लिए, उनकी जिंदगियों को आसान बनाने के लिए, एजुकेशन से लेकर उनकी वोटिंग तक हर राइट के लिए उनके साथ खड़ा रहता है। जैसे इंडिया ने मुस्लिम औरतों के लिए मुस्लिम कम्युनिटी से लड़कर 2019 में ट्रिपल तलाक जैसी सदियों से चलती आ रही प्रथा को एक क्रिमिनल ऑफेंस घोषित कर दिया, जिससे हजारों लाखों महिलाओं की जिंदगियां बच पाई। और अब आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या आपको बताया इंडिया के टोटल नंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स में से 5 प्रेसिडेंट्स मुस्लिम रह चुके हैं, जबकि शायद ही कभी पाकिस्तान में किसी हिंदू इंसान को इतनी ऊंची पोस्ट पर बैठाया गया होगा। और प्रेसिडेंट तो दूर की बात, कई इस्लामिक कंट्रीज में तो उनके किंग और प्रिंस ही गवर्नमेंट की लगाम अपने हाथ में लेके बैठते हैं। मतलब लोग वोट करे या ना करे, देश की भागदौड़ इन लगाम थामे लोगों के हाथों में ही जाएगी। और ऐसे कंट्रीज में लेडीज का हाल तो इतना बेहाल होता है कि उन्हें वोट डालने तक का मौका नहीं दिया जाता। जैसे 2015 में पहली बार सऊदी अरब की वुमेन को वोटिंग करने का मौका मिला था, लेकिन तब भी उस देश के 1.35 मिलियन यानी कि 13.5 लाख आदमियों के मुकाबले में सिर्फ 1,30,000 औरतों ने वोटिंग किया था।
इसी तरह अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और कतार के भी हालात कुछ ऐसे ही है जहाँ पे औरतों को मर्दों के पीछे ही रखा जाता है। पर हमारे इंडिया में माइनॉरिटी होने के बावजूद भी मुस्लिम्स की सिर्फ सुनी ही नहीं जाती बल्कि उन्हें हर हिंदू की तरह बराबर के वोटिंग राइट्स भी दिए जाते हैं ताकि वो अपनी राय देश के आगे रख सके। पर फ्रांस जैसी कंट्री जहां 2016 में 29% फ्रेंच लोग मुस्लिम्स के लिए नेगेटिव व्यू रखते हैं, ऐसा सर्वे हुआ था, वहीं पर पिछले 6 सालों में हुए टेरर अटैक्स के चलते 2020 में ये नंबर 79% तक पहुंच गया था। और इन्हीं सब के चलते फ्रांस में मुसलमानों के ऊपर कई तरह के लॉज लगाए जाने का प्रेशर उन पर अब बना हुआ है। पर फ्रेंड्स, हमने दूसरे कंट्रियों के बारे में तो ये सब जान लिया, आपको क्या लगता है दुनिया का मुस्लिम्स को लेकर जो नजरिया है क्या वो सही है या फिर हमारे देश इंडिया का? क्या एक कम्युनिटी के कुछ रेडिकल एलिमेंट्स की वजह से पूरे कम्युनिटी के साथ ये व्यवहार करना सही है? और इन सभी सवालों के साथ एक और एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सारी दुनिया गलत और मुस्लिम कम्युनिटी सही है? और साथ ही में जो एजुकेटेड मुस्लिम्स हैं, क्या वो अपने रेडिकल लीडर्स के अगेंस्ट खड़े रह सकते हैं जहां पर जरूरत हो और जहां पर वो गलत हो? क्योंकि अगर ये सब नहीं हुआ तो दुनिया शायद उन्हें इसी नजर से देखे जिस नजर से वेस्ट देख रहा है। क्योंकि अगर हम अपने रिलीजन के रेडिकल मगर गलत लोगों के अगेंस्ट नहीं जाएंगे तो फिर जब हमारे साथ गलत होगा तो हमारे साथ कौन खड़ा रहेगा? With that said, friends, उम्मीद है इस वीडियो से ये चीज साफ हो गई है कि इंडिया एक अच्छा एग्जांपल है कि दो रिलीजन आपस में पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली चीजें एकदम परफेक्ट नहीं है लेकिन इट्स स्टिल अ लॉट बेटर देन अदर कंट्रीज। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो क्योंकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। With that said, as always, curious बनो, keep learning and keep growing. जय हिंद। काफी अच्छी, काफी इन्फॉर्मेटिव से जो वीडियो थी। वो बड़ा डिफरेंट सा एक टॉपिक था। हाँ, और जिस तरह उन्होंने रिलेट किया हुआ था ना बाकी कंट्रीज के साथ इंडिया का, तो वो बता ही रहे थे कि बाकी जगह कहाँ कहाँ होता है, तो वहाँ से चीजें जो है और ज्यादा क्लियर होती है। जो इंडिया की डाइवर्सिटी है वहाँ पे जो मुस्लिम बहुत अच्छे बड़े पीसफुल बड़े खुशहाल तरीके से रहते हैं, तो उसकी तो हम तकरीबन अपनी हर वीडियो में तारीफ कर रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। पहले जो है हमें पता था लेकिन जब से हमने रिएक्शन चैनल स्टार्ट किया तो बहुत सारी, अब मीडिया आ गया है ना तो अब ये चीजें छुप नहीं सकती, तो बहुत सारी चीजें जो हमें ऐसी नजर आती भी रही हैं और जो इस वीडियो में भी उन्होंने काफी कुछ जो है क्लियर किया। आप देखो कि जो डेवलप कंट्री है लाइक चाइना और यूरोप के कुछ कंट्री, वो इवन मुस्लिम्स के बहुत अगेंस्ट है। मतलब आप ये देखें कि कुछ ब्लैक शिप काली भेड़े ऐसी हैं जो मतलब हर कम्युनिटी में, तो उनकी वजह से ना बाकी पूरी कम्युनिटी को सफर करना पड़ता है। और मेरे हिसाब से हम खुद भी कहते हैं जो लोग मतलब इंसानियत के खिलाफ है, जो मतलब ह्यूमैनिटी के बिल्कुल अगेंस्ट अगर कोई बात करते तो हम भी उनको सपोर्ट नहीं करते एज अ मुस्लिम, अगर वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। क्योंकि जैसे आप देखें कि अगर आपने किसी एक भी इंसान को मारा तो उसका मतलब आपने पूरी ह्यूमैनिटी को मारा। यार सारे मुस्लिम अच्छे हैं या सारे, मतलब हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे क्योंकि यार अच्छे बुरे लोग हर समाज में होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर कुछ लोग जाकर करते हैं अपने देश की वजह से या जिस तरीके से भी करते हैं, अगर वो करते हैं लोग तो सब मुस्लिम इसके जिम्मेदार नहीं है या कोई भी इस तरह का मसला हो। अगर मैं कहता हूँ ना 2 बिलियन मुस्लिम जितने भी मुस्लिम है दुनिया में, बिल्कुल उनमें से मैं कहता हूँ कुछ लाख ही ऐसे घटिया होंगे, कुछ हजार ही ऐसे होंगे जिनकी वजह से पूरा दुनिया की ये 2 बिलियन जो पीस लविंग लोग हैं, यार मैं कहता हूँ, ये नहीं कहता, ये आपको भी दिल में पता होगा कि हर इंसान बुरा नहीं होता, हर मुस्लिम बुरा नहीं होता, हर हिंदू बुरा नहीं होता, हर क्रिश्चियन बुरा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, कोई भी बुरा नहीं होता, उसके अंदर कुछ लोग होते हैं जो मतलब, अब देखें पूरी दुनिया में इस्लाम क्यों इस तरह एक कम्युनिटी पूरी के तौर पे खराब हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसे कुत्ते लोग हैं, कुछ ऐसे कमीने इंसान हैं जो इन्होंने ये काम शुरू किया है। वाकई में। और दूसरी बात यह है कि जो काफी सारे, अब हाँ हम पाकिस्तान की बात करते हैं, काफी सारे इस तरह के लोग हैं जो मतलब पहले समाज, मतलब आज से 10-15 साल पहले वीडियो में बहुत सही बताया गया था, 10-15 साल पहले वोट नहीं दिया जाता था, मतलब राइट्स जितने भी दिए जाते हैं, जैसा कि उन्होंने इस वीडियो में बताया कि चाइना जो कि बहुत ही ज्यादा एक फ्रेंडशिप है पाकिस्तान की, आपको पता ही है कि इतनी फ्रेंडशिप तो पाकिस्तान की किसी भी कंट्री के साथ नहीं है जितनी के चाइना के साथ है, तो वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भाई वहाँ पे भी एक मुस्लिम है ना, ना वहाँ पे हमें जितनी भी मस्जिदें हैं ना, तो वहाँ पे वो मस्जिदें भी उन्होंने ना शहीद कर दी, उन्होंने बोला कि ये मस्जिदें भी यहाँ पे होंगी, और अगर फर्ज करें
रमजान है होता है ना, तो रमजान के दरमियान कोई बंदा रोजा नहीं रख सकता, रोजा रखा है ना तो उसको ना जबरदस्ती से उसके मुंह में पानी डाल के ना उसका रोजा तोड़वाया जाएगा कि तुम रोजा नहीं रख सकते। तो हाँ वही तो, रोजा नहीं आप रख सकते। और एक लड़की है ना वो फर्ज करे सर में हिजाब लेना चाहती है बट्टा, वो भी नहीं वो ले सकती। और उसके बाल जो होते हैं ना लंबे, वो लंबे बाल भी नहीं रख सकती। वो शॉर्ट आपने हमेशा चाइनीज लोगों के बाल देखे होंगे, छोटे बाल ही होते हैं, तो आपने बाल भी छोटे रखने। इसके बाद फिर दाढ़ी मूंछे भी नहीं आप रख सकते, बाल भी आपने अपनी मर्जी से नहीं। वो उन्होंने का अपना ना कंट्री में एक हेयर स्टाइल रखा हुआ, वही हाँ वही आपने रखना। ऐसी ऐसी उन्होंने ना पाबंदियां लगा रखी हैं। हाँ वही ना, उन्होंने अपने कंट्री में ये सारे रखा हुआ। हाँ तो ये इनकी दोस्तियां उनके साथ है, बिल्कुल वो उनके साथ है। हाँ, भाई हस्बैंड्स पे जुल्म कर रहे हैं, जुल्म तो वो असल में कर रहे हैं लेकिन इनको दिखता नहीं है। ये उनके साथ कोई वो नहीं करते बिल्कुल, जैसे उन्होंने फेस्टिवल की बात की है रमजान में, वो बिल्कुल उनको परेशानी नहीं होती इंडिया में। यहाँ तक ये देखे कि हिजाब बहुत से मुल्कों में रोक दिया, बिल्कुल फ्रांस में, नीदरलैंड में, बेल्जियम में, सारे इंडिया में कितना प्रेफर दी गई हिजाब को, नहीं ऐसे ही बिल्कुल। अब आप देखेंगे चाइना जो पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री का दोस्त बना हुआ है सारों का, पर आप देखिए कि उनका जो एक स्टेट है उसके अंदर मुसलमानों के साथ कैसा सलूक होता है, क्या कुछ किया जाता है, जबरदस्ती की जाती है बिल्कुल बिल्कुल। जितनी भी वीडियोस सामने आती है ना, मतलब हमने काफी वीडियोस देखी है, तो मुस्लिम्स जो है ना वो बहुत मतलब कि अच्छे इंडिया के जो मुस्लिम, हाँ बिल्कुल इंडिया के जो मुस्लिम है वो बहुत ज्यादा खुश है, मतलब वो इंडिया में खुश है, वो खुद कहते हैं कि यार हम इंडिया में खुश हैं। बहुत सारी वीडियोस देखते हैं उनमें कैसे वो बता रहे होते हैं कि हमें इधर बहुत सुकून है। अभी आप दूसरी कंट्री देखें कि उधर मुस्लिम के साथ क्या कसूर किया जाता है, क्या किया जाता है। जम्मू कश्मीर वाली साइड यहाँ पे सारे मुसलमान, मतलब वो फिर हटाया उन लोगों ने कि भाई ये जो वहाँ के पार्टी के नेता थे मुस्लिम नेता, उन्होंने बोला कि भाई हज पे अगर जाना है तो उनको अपनी कमाई से, अपनी कमाई से जाना चाहिए, तो इस वजह से हटाया, नहीं तो अभी भी वो चल रहा था। 70 साल से चल रहा था, 70 साल से चल रहा था, किसी मुल्क में नहीं था बाबा। ये तो देखे जाहिर सी बात है, हम लोग पाकिस्तानी बोलते हैं कि कश्मीर में जुल्म होता है, कश्मीर में ये होता है, हम चाइना के चट्टू बने हुए हैं, चाइना के चाटते हैं, और भाई वहाँ पर चाइना में जो मुस्लिम के साथ होता है वो किसी को नजर नहीं आता। वो लोग किसी को नमाज पढ़ने देते हैं, किसी को दाढ़ी रखने देते हैं, कुछ भी नहीं करते, किसी को ना रोजे रखने देते हैं। अबे इंडिया तो 100 गुना अच्छा है, 100 गुना अच्छा है मुसलमानों को हर चीज की सहूलत। 2050 तक या 30 तक दुनिया का सबसे ज्यादा मुसलमान आपको इंडिया में ही मिलेगा, बिल्कुल 3 लाख मस्जिदें भी और दुनिया की सबसे ज्यादा है वो, बिल्कुल अंदाजा लगा। से पता चलता है कि इंडिया में मुसलमान सबसे ज्यादा है और उनकी रेस्पेक्ट भी उधर ज्यादा, बिल्कुल भाई उनको इतने वो चीजें दी जाती है ना, वहाँ पे माइनॉरिटीज है, मुस्लिम जो है इंडिया में सेकंड नंबर पे, उनको ये चीज समझी नहीं जाती कि माइनॉरिटीज उनको एक जैसा समझा जाता है इंडिया के अंदर जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि वोटिंग की बात की गई है, तो वोटिंग का यहाँ पर पाकिस्तान में जो मुस्लिम फीमेल्स हैं उनके ऊपर तो मेरे ख्याल से जहां तक मुझे आइडिया है, इवन दो हमारे मेरा भी वोट में नाम आता है, मैं क्योंकि मेरा भी NIC बना हुआ है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, तो आप जो है वो वोट कर सकते हो, फीमेल्स को राइट है कि वो वोट करें, और फीमेल्स निकलती भी हैं वोट करने के लिए। स्पेशली आपने देखा होगा जब धरना होता है तब भी वो नजर आती हैं, जब प्रोटेस्ट होता है या इमरान खान जैसे आए थे नए नए, तो उस टाइम पर भी वो इस्लामाबाद में आपको नजर आई होंगी। जी गाइस ये थी आज की वीडियो, और आप लोगों ने वीडियो देखा, वीडियो में गौरव ठाकुर ने भाई सब कुछ बता ही दिया है, बाकी इन लोगों का रिव्यू आप लोगों ने देख ही लिया है, तो ये रियलिटी है। मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हर कम्युनिटी में सारे कोई खराब होते हैं, लेकिन ये है कि पूरी दुनिया में अगर कहीं भी डाटा होता है या इससे रिलेटेड कुछ मैटर होता है तो सबसे ज्यादा इन लोगों का नाम आता है, इसलिए पूरी दुनिया में बदनाम है। अब उसमें जैसे कहते हैं कि अच्छे कामों की तारीफ बहुत कम लोग करते हैं या बहुत वो फैलता कम है, लेकिन बुरा काम भाई बहुत जल्दी फैलता है, तो इन लोगों का यही हाल है। तो कुछ कंट्रीज हैं जैसे दुबई वगैरह हैं, देख लो मतलब UAE में, UAE की जो है रीजन में, जैसे कतर है, दुबई है, इन लोगों का नाम तो कोई नहीं लेता कि हाँ भाई ये UAE ने कराया है, ये बम ब्लास्ट ये कतर ने कराया है, ये किसी और ने कराया, लेकिन कुछ ही कंट्रीज का नाम क्यों आता है, जैसे कि पाकिस्तान का क्यों आता है, जो ये अभी अमेरिकन जिनको ट्रंप ने बैन किया था, जो इराक सीरिया और ये यमन इन सब का नाम ले रहे थे, तो यहाँ पे इतना मतलब क्यों है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि ये लोग जो है भाई करते हैं हर कंट्रीज में, और इनके यहाँ ग्रुप्स खड़े हुए हैं बहुत सारे, तो वो ग्रुप्स में बहुत सारे इनकी, अभी आप लोगों ने इसराइल हमास में देखा, हमास कौन है,
हमास मतलब फिलिस्तीन में क्या है, पूरा फिलिस्तीन को मरवा रहा है वो। और ये लोग कहते हैं कि कुछ लोगों की वजह से मतलब कि हम लोग परेशान हैं, भाई कुछ लोगों की पूरी कंट्री इन्वॉल्व है इनमें, तो ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में भी मुस्लिम है, अब इंडिया में चाहे वो लॉ की वजह से, चाहे एजुकेशन की वजह से, चाहे जैसे हैं, कुछ ही एक आधे लोग हैं, लेकिन वो इस लेवल तक नहीं जा पाते। अगर कभी ऐसा ऐसी सिचुएशन में आता है, हाँ ठीक है यहाँ फ्रीडम है स्पीच करने की, बोलने की, ठीक है, लेकिन अगर बंदा कभी उस लेवल के उस पे जाता है तो यहाँ का कानून है, जो लॉ है उसके हिसाब से उस बंदे को या तो अरेस्ट कर लिया जाता है या उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इन्हें को उस लेवल में जाने नहीं दिया जाता, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो, और वो कोई कम्युनिटी का है, ये मुस्लिम का नहीं है। तो हमारे यहाँ के मुस्लिम का नाम इसलिए नहीं आता, इंडिया का नाम इसलिए नहीं आता, यहाँ पे लॉ के अकॉर्डिंग भाई दूसरे दिन उनको जैसे कहते हैं ना पट्टे दे दिए जाते हैं, तो वो अपने आप समझ जाते हैं। लेकिन इनके कंट्रीज में इन्हीं का सहारा लिया जाता है, ईरान जैसे ले रहा है अभी हमास का, हूती का, और जो इसमें हिजबुल्ला का, तो भाई इन ये लोग खुद ही दुनिया में बदनाम है। तो इसमें जो है किसी रिलीजन का या वो बात, अब भाई तुम्हारे रिलीजन से है तो तुम्हें ही कहा जाएगा। अब उसमें क्या है कि अब कोई ये नहीं कहता कि भाई पूरी दुनिया के जितने मुसलमान हैं वो सारे खराब हैं, जिस देश के खराब हैं या जहां जो कंट्री ऐसा कर रही है उन्हीं को लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है। अमेरिका ने बैन किया था तो सारी कंट्रीज को तो नहीं बैन कर दिया कि इंडिया के मुसलमान हमारे यहाँ नहीं आ सकते, यूएई के मुसलमान नहीं आ सकते या और उधर के मुसलमान नहीं आ सकते, उन्होंने सिलेक्टेड कंट्री क्यों बैन करी थी। और पाकिस्तान जो इतना ये लोग सफाइयां देते हैं, इतना ये करते हैं, हमेशा कहता कि मैं खुद ही टेररिस्ट झेल रहा हूं, तो भाई पैदा किए हैं तो उनको झेलेगा कौन। अब जैसे इन्होंने पहले पैदा किए, दूसरी कंट्रीज में इस्तेमाल किए, अब सारी कंट्री इतने दिन बाद सारी जगह भी इनका आना जाना काफी हद तक कम कर दिया है, जहां जाते हैं ठोक दिए जाते हैं, तो भाई इनके यहाँ ही वो ग्रुप जाएगा। और जैसे वो एक अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर थी, क्या थी, उन्होंने बोला था कि अपने जैसे बैकयार्ड यानी कि घर में सांप पालोगे तो वो तुम्हें ही डसेगा, तो आज यही हो रहा है इनके साथ। तो ये वीडियो में गौरव ठाकुर का समझाने का मतलब ये था कि हमारे यहाँ जो मुस्लिम का, मुस्लिम को जो फ्रीडम है वो दुनिया के किसी कंट्री में नहीं है, जो इस वीडियो का मेन मोटिव था समझाने का गौरव ठाकुर का वो यही था। और बाकी इसमें कोई रिलीजन को टारगेट करके या करके मतलब उसको हिट करने की कोशिश नहीं की है, उन्होंने सिर्फ ये समझाने की कोशिश करी है कि जो हमारे यहाँ के कुछ मुसलमान ऐसा बोलते हैं कि मतलब दुनिया में उन मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, उनके साथ ऐसा हो रहा है, अभी फिलिस्तीन के मुसलमानों को लेकर बहुत लोगों को हमदर्दी है, तो भाई हमदर्दी दोनों साइड रखो ना, इसराइल की साइड भी रखो। इसराइल जब हमास ने उस पर अटैक किया, इसराइल के बच्चों को मारा, वहाँ पे औरतों को मारा, उसके बाद वहाँ पे कितने जो म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था वहाँ 1200 लोगों को मार दिया, तो आप लोगों ने तो एक बार भी नहीं कहा कि भाई फिलिस्तीन या हमास ने ये गलत किया है, उसको तो कंडेम नहीं किया। लेकिन अगर फिलिस्तीन इसराइल वही कर रहा है तो भाई इनको बड़ा दर्द होता है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को दर्द होता है, तो ये गलत चीज़ है। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए तो जो गलत हो उसको बोलो, चाहे वो इसराइल गलत हो, हमास गलत हो, फिलिस्तीन गलत हो। तो आई होप सबको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।